आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। लोगों की जो सोच है ना कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, अगर हम लड़का पैदा करेंगे तो वो ही हमारा नाम रोशन कर सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियां भी सब कुछ कर सकती है, बल्कि आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियां ज्यादा ऊपर उठ के दिखा रही हैं। हमारा स्टार्टिंग से ये था कि कंटेंट गलत ना हो ताकि मैसेज गलत ना जाए समाज में। आपके अंदर टैलेंट है, आप अगर छोटे कपड़े पहन के वीडियोस बनाओगे इसका मतलब ये नहीं है कि लोग ज्यादा पसंद करेंगे। आप अपना टैलेंट, अंदर का जो टैलेंट है वो दिखाओ, लोग ज्यादा पसंद करेंगे उस चीज को। बट अगेन हमारे जो बेसिक्स हैं, जो एथिक्स हैं, हम उन्हें ही फॉलो करेंगे। अगर हम कहीं किसी भी लेवल पे पहुंचते हैं, जो हमने अपनी लाइफ के लिए रूल्स बनाए हैं, मोरल्स बनाए हैं, उनसे बाहर कभी भी काम नहीं करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, और बात की जाए यूट्यूब के ऊपर फेमस बहुत चर्चित चेहरा टीकू गुज्जर जी हमारे साथ हैं। लगातार यूट्यूब के ऊपर जो है वो छाई रहती हैं। टीकू जी कैसी हैं? एकदम बढ़िया। बात बताइए, मतलब लगातार कोई भी इस तरीके की दवाई का, जिस तरीके से अभी जिक्र किया गया कि दवाई के ऊपर बोला था कि अगर ये दवाई अगर आती है तो बेटा ही पैदा होता है, उसके ऊपर आपने क्यों ऐसी टिप्पणी? एक्चुअली हमारे गुज्जर समाज में ऐसा होता है कि लड़कों को ज़्यादा ऊपर समझा जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का है, लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, हम लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये मैंने आज करके दिखाया है। नहीं, लेकिन मतलब कैसा लगा कि उस वक्त, क्योंकि ये एक जगह की बात नहीं है टीकू जी, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि बहुत सारे वैद्य या हकीम ऐसे होते हैं जो कि लगातार ये दावा करते हैं कि हम ये दवाई देंगे तो अवश्य लड़का ही पैदा होगा। आज के वक्त में अगर बात की जाए, लड़कियां चांद तक पहुँच रही हैं, लड़कियाँ बहुत कुछ हासिल जो है वो कर रही हैं, तो अंदर से मतलब क्योंकि लड़की हैं इसीलिए बुरा लगा, या फिर ये सोचा कि नहीं ये जो गलत बोल रहे हैं? लोगों की जो सोच है ना कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, अगर हम लड़का पैदा करेंगे तो वो ही हमारा नाम रोशन कर सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती है, बल्कि आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियां ज्यादा ऊपर उठ के दिखा रही हैं। देखो जी, यूट्यूब के ऊपर फेमस होने का क्या वो रहा, कब से वीडियोस बनाना शुरू किया, कैसी वीडियोस जो बनाती हैं और कैसे कैसे, अब कैसा लगता है यूट्यूब से, कैसा प्यार? एक्चुअली फेमस होने का तो ऐसा किसी कोई सोचता ही नहीं है कि हम फेमस हो जाएंगे, बस मन था ये सब चीज़ें करने का, बस हमारी कम्युनिटी ने, गुजर कम्युनिटी के सब ने हम मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। किस टाइप की वीडियो जो है वो बनाना, क्योंकि मोस्टली जितने भी इन्फ्लुएंसर्स चाहे यूट्यूब पे हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, कहीं ना कहीं कोविड का जो है वो बहुत असर रहा है उनके ऊपर, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तो वीडियोज़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने भी लॉकडाउन से ही शुरू किया था, उससे थोड़ी और पहले से शुरू किया था, और बस लोगों का प्यार था कि मेरी वीडियोस उन्हें पसंद आई और मैं आगे तक पहुंची। टीकू जी, एक जो 5 लाख फॉलोअर्स है मेरे इंस्टाग्राम पे, बात की जाए टीकू जी, लड़कियां खासतौर पे, आपने सुना भी होगा कि इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जिस तरीके से नग्नता को परोस रही हैं, जिस तरीके से हरकतें करके वो जल्दी जो है वो पॉपुलर होना चाहती हैं, उनके लिए क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर टैलेंट है, आप अगर छोटे कपड़े पहन के वीडियोस बनाओगे इसका मतलब ये नहीं है कि लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, आप अपना टैलेंट, अंदर का जो टैलेंट है वो दिखाओ, लोग ज़्यादा पसंद करेंगे उस चीज़ को। पिछले दिनों मेट्रो में वायरल लड़की का देखा था जो बिकनी में नजर आ रही थी लगातार महज, और उसने ये बात बोली थी कि वो सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो लगातार ऐसा। हर तरीके के लोग हैं, अब कोई किस तरीके से फॉलोअर बढ़ाना चाहता है, कोई किस तरीके से, तो ऐसा मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, मुझे मेरी कम्युनिटी ने इसी वजह से सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, और जो भी हूँ बस सबकी वजह से हूँ, अपने गुजर फैमिली की वजह से हूँ। मोस्टली वीडियोस जो हैं वो परिवार का कितना सपोर्ट रहता है, और मोस्टली वीडियोस जो हैं वो कैसी बनाते हैं, मतलब गुज्जर कम्युनिटी से रिलेटेड ही बनाते हैं या फिर हर तरीके का कंटेंट? एक्चुअली हमारे गुज्जर समाज में बहुत बहुत ज़्यादा कम सपोर्ट किया जाता है लड़कियों को, तो फैमिली इशू बहुत थे, फैमिली ने तो शुरुआत में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था, बट हाँ जी, बट थैंक्स टू माई हस्बैंड जो मेरे हमेशा से शुरुआत से लेके एंड तक वो मेरे साथ है, और जो भी कुछ भी हूँ मैं हस्बैंड को चाहेंगे कि एक बार इधर आ जाइए आप भी, क्योंकि हस्बैंड से भी बात करना बहुत जरूरी है, बहुत कम ऐसे हस्बैंड होते हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं। अभी ताजा तारीन है कि यूपी का मामला जो है वो सामने है, एसडीएम बनाया पत्नी को, पत्नी भाग गई है ना, तो ये डर नहीं लगा था? बिल्कुल भी नहीं लगा था, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है वो हमेशा से था,
हमारा शुरू से था, मेरा हर कोई अगर आपकी लड़की अपनी लड़की को किसी के भी घर भेज रहा है इसलिए नहीं भेज रहा है कि वो घर में कैद हो जाए, घर के ही काम करे। अगर किसी का पर्सनल कोई भी मोटिव है, कोई किसी भी लाइन में आगे जाना चाहता है तो वी शुड सपोर्ट हर, हमें करना चाहिए उन्हें सपोर्ट। हमारा स्टार्टिंग से ये था कि कंटेंट गलत ना हो ताकि मैसेज गलत ना जाए समाज में। कभी भी किसी भी तरीके के लिए छोटे कपड़े पहनो मत पहनो वो आपकी खुद का थॉट प्रोसेस है, मेंटेलिटी है, बट हमने कभी भी इस चीज़ पे वो नहीं किया। आपने सूट पहनना है, आपने जीन्स पहनना है, मैसेज आपको समाज को गलत नहीं देना है कि इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो नाम होगा, फेम मिलेगा। हमारा कंटेंट हमारे समाज की रागनियों पे, हमारे देसी गानों पे, हमने इंग्लिश गानों पे, कॉमेडीज पे, इन चीज़ों पे हमारे कंटेंट्स रहे हैं स्टार्टिंग से। दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं, मेजरली यही बनाते हैं, बट वो एज अ हस्बैंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट सारी चीज़ें इनकी होती है। मेरे को समझाते हैं कि इस तरीके से बनानी चाहिए, मैं थोड़ी आलसी हूँ, मैं थोड़ा आलस कर जाती हूँ, बट ये मेरे को हमेशा जगाते हैं कि बना वीडियो। एक बात बताइए टीकू जी, मतलब कभी ऐसा लगा कि इन्होंने बोला हो कि ऐसा ये वीडियो मत बनाना, मम्मी गुस्सा करेंगे या पापा गुस्सा करेंगे? हमारा स्टार्टिंग से, मैंने इन्हें स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही चीज़ कही थी, आप कैसे भी वीडियो बनाओ, एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट हैं, समझदार हैं, आप सिर्फ कंटेंट गलत नहीं होना चाहिए। कंटेंट गलत का मतलब बहुत क्लियर है, आपको अपनी बॉडी वहाँ पे शो नहीं करनी है, इस तरीके का कोई भी गलत चीज़ हमें नहीं करनी है। अच्छे मैनर में, एथिकल मैनर में आप किसी भी तरीके की वीडियो बनाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ है, अगर मैं जहाँ हेल्प कर सकता हूँ वो हाँ मैं वो भी करूँगा। इनका इंटरेस्ट था कि मैं इस लाइन में आगे जाना चाहती हूँ, तो जो भी सपोर्ट बन सकता है मैं इनको करता हूँ। अच्छा, एक हर एक इन्फ्लुएंसर्स की अगर बात की जाए, बहुत सारे बॉलीवुड तक पहुँच गए हैं, अगर ऐसा कोई ऑफर जो है वो आता है टीकू जी, तो क्या सोच रही है? नहीं, डेफिनेटली अगर ऐसा कोई ऑफर मिलेगा तो विल गो विद दैट, बिल्कुल जाएंगे। बट अगेन, हमारे जो बेसिक्स हैं, जो एथिक्स हैं, हम उन्हें ही फॉलो करेंगे। अगर हम कहीं किसी भी लेवल पे पहुंचते हैं, जो हमने अपनी लाइफ के लिए रूल्स बनाए हैं, मोरल्स बनाए हैं, उनसे बाहर कभी भी काम नहीं करेंगे। कहा जाता है कई बार किसी कंटेंट की डिमांड होती है हर तरीके की, क्या ये मतलब झूठ है, मिथ है? नहीं, कंटेंट की डिमांड होती है, ऐसा नहीं है। ऑफर्स हमें अभी नहीं आते, हमें अभी भी कई बार ऑफर्स आते हैं, एक्स्ट्रा पे आउट्स के लिए भी आते हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे, आपको इस तरीके का हमको एक कंटेंट बना के देना है हम, बट उस इन चीज़ों के लिए नहीं जाते कभी भी। लाइक अगर मैं छोटा एग्जांपल दूं तो जैसे तांत्रिक वगैरह आजकल आपको देखा होगा कि वशीकरण टाइप की, आप ये करो, इनके जा कर के मिलो तो आपके सारे काम होंगे। हमें उस तरीके के कंटेंट ऑफर्स भी आते हैं जिसके लिए वो कहते हैं काफ़ी हाई प्राइस वो पे आउट करने के लिए, बट वी नेवर डिड दैट, और हम वो चीज़ आगे करेंगे भी नहीं। अगर कोई हमें फॉलो करता है, कोई प्यार करता है, तो हम नहीं चाहते कि वो हमारी वजह से किसी गलत चीज़ को फॉलो करे, किसी गलत चीज़ में जाए। तो अपने चैनल का एक बार जो है वो नाम दर्शकों को बता दीजिए ताकि उनको भी सर्च करने में आपको कोई दिक्कत ना। ओके, मेरा इंस्टाग्राम का जो चैनल है वो है पिकाचू गुजर 25, और जो यूट्यूब का चैनल है वो है पीकू गुजर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ में पीकू गुजर जी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुकी थी। आजकल सोशल मीडिया का बड़ा बोलबाला है हर जगह पे, जहाँ पे देखिए, जहाँ पे सोशल मीडिया जो है वो हमें दिखाई देता है, उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारे कंटेंट हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अच्छे कंटेंट के पीछे जाइए, बुरे कंटेंट के पीछे मत जाइए। बहुत बड़ी मिसाल है टीकू गुजर जी इस चीज़ के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।